गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जनरल ट्रांसक्रिप्शन के कंटिन्यूएशन में है। द टॉपिक रेगुलेटरी एलिमेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन मे बी कंप्लीटेड बाय सम पॉइंट्स। दीज आर इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ऑपरन मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। रेगुलेटरी एलिमेंट्स अर्थात नियमनकारी तत्व एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, अनुलेखन नियमन की प्रक्रिया के अंतर्गत रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटरी एलिमेंट्स जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। एंड रिले ऑन द बायोकेमिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग डीएनए, द सेलुलर प्रोटीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। प्रोमोटर्स एंड एनहेंसर आर द प्राइमरी जीनोमिक रेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के लिए प्राथमिक जीनोमिक रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रोमोटर्स एंड एनहेंसर्स कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए कोशिका में दो प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए का प्रतिलिपिकरण और दूसरा जीन की अभिव्यक्ति अर्थात जीन एक्सप्रेशन। हम यहां पर जीन एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट इवेंट्स की एक चैन है जिसमें डीएनए में उपस्थित सूचनाएं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में संचारित होती है। जीन एक्सप्रेशन में डीएनए सर्वप्रथम अपने निहित आनुवंशिक सूचनाओं अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में स्थानांतरित करता है। आरएनए में उपस्थित कोडोन प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का निर्धारण करते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण डीएनए की स्पेसिफिक चैन के टेम्पलेट के द्वारा होता है। आरएनए उपस्थित सूचनाएं प्रोटीन के रूप में संश्लेषित हो जाती है। इस प्रकार जीन एक्सप्रेशन दो स्टेप्स में संपन्न होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट से प्रारंभ होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर साइट की पहचान सिग्मा फैक्टर के द्वारा होती है, किंतु यूकैरियोट्स में इस प्रकार का सिग्मा फैक्टर अनुपस्थित होता है। अतः इनमें डिफरेंट पॉलीमरेज के द्वारा डिफरेंट प्रोमोटर्स की पहचान होती है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर साइट के साथ बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द्वारा प्रेरित होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपने संगत राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज के साथ संयुक्त होकर तीन प्रकार के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, क्लास फर्स्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, सेकेंड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोमोटर सीक्वेंस यूसीई अर्थात अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स के लिए उत्तरदायी है। पॉलीमरेज सेकेंड टाटा एंड काट प्रोमोटर सीक्वेंस के लिए उत्तरदायी है, जबकि पॉलीमरेज थर्ड बॉक्स ए एंड सी और बॉक्स ए एंड बी के लिए उत्तरदायी होता है। नाउ
रेगुलेटरी एलिमेंट्स डिटरमाइन द कनेक्टिविटी ऑफ मॉलिकुलर नेटवर्क। नियमनकारी तत्व मॉलिकुलर या आणविक जो जाल है उसकी कनेक्टिविटी को निर्धारित करते हैं एंड मीडिएट ए वैरायटी ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेस। और जो नियमनकारी क्रियाविधि है उनको विभिन्न नियमनकारी क्रियाविधि उनको मीडिएट करते हैं एट द ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, अर्थात अनुलेखन पश्च अनुलेखन व पश्च अनुवादन प्रक्रिया के लिए रेगुलेटरी एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर नेटवर्क की को डिटरमाइन करते हैं। द फर्स्ट जेनेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म अनकवर्ड कैम विद जैकब एंड मोनार्ड 1961 डिस्कवरी ऑफ द लैक ओपनिंग, अर्थात साइंटिस्ट जैकब एंड मोनार्ड द्वारा 1961 में जेनेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की खोज की गई और उन्होंने लैक ओपनिंग प्रस्तावित किया। साइंटिस्ट एफ जैकब एंड जे मोनार्ड ने 1961 में एस्चेरिचिया कोलाई में बी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित इंडक्शन सिस्टम पर कार्य किया और इंडक्शन एंड रिप्रेजर के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे ऑपरेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू जैकब मोनार्ड ऑपरेंट मॉडल रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर आई दैट इज रेगुलेटर जीन, इट इज फॉर रिप्रेसर दमनकारी क्रियाओं के लिए रेगुलेटरी जीन जिसे स्मॉल आई द्वारा डोनेट किया जाता है वह उत्तरदायी होता है। सेकेंड रेगुलेटरी एलिमेंट स्मॉल पी नोन एज प्रोमोटर जीन, इट इज फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन अनुलेखन का प्रारंभ करने के लिए प्रोमोटर जीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट रेगुलेटरी एलिमेंट स्मॉल ओ दैट इज ऑपरेटर जीन, दिस वाज फॉर द एक्शन ऑफ रिप्रेसर दमनकारी क्रियाओं को के एक्शन के लिए ऑपरेटर जीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट स्मॉल जेड दैट इज स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, स्मॉल वाई दैट इज स्ट्रक्चरल अनदर स्ट्रक्चरल जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज एंड ए फॉर स्ट्रक्चरल जीन फॉर एसिटाइलेज। हेंस आई पी ओ जेड वाई ए दीज आर रेगुलेटरी जीन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस। नाउ ऑपरेंट मॉडल के अंतर्गत ट्रांसक्रिप्शन की एक इकाई ओपनम होती है जो कि दो प्रकार के कंपोनेंट्स द्वारा निर्मित होती है, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन ऐसी साइट है जहां पर एक्टिवेटर और रिप्रेसर की अनुक्रिया या इंटरेक्शन होता है, जबकि स्ट्रक्चरल जीन एक समुच्चय है जिसमें जीनों की संख्या अनिश्चित होती है किंतु यह सभी एक ही ऑपरेटर जीन के नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटरी जीन दैट इज रेगुलेटर जीन एंड द रिप्रेसर, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इंड्यूसिबल सिस्टम इन विच एक्टिव रिप्रेसर एंड विथ इंड्यूसर एंड रिजल्ट इज इन एक्टिव रिप्रेसर। सेकेंड इज रिप्रेसिबल सिस्टम अर्थात दमनकारी तंत्र मेडअप ऑफ इनएक्टिव रिप्रेसर एडिशन ऑफ को रिप्रेसर
एंड रिजल्टिंग फॉर्म एक्टिव रिप्लेसर। नाउ व्हाट इज एन एन आंसर? एज वी नो एन एन आंसर आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। By definition, enhancers are DNA sequences that regulate the transcription of gene. अनुलेखन की जीन को नियमन करने के लिए DNA की जो सीक्वेंस होती है उन्हें हम enhancer कहते हैं। Now, transcriptional regulation is the means by which a cell regulates the conversion of DNA to RNA. अर्थात नियम अनुलेखन नियमन एक प्रकार का तरीका है सेल को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें डीएनए के द्वारा आरएनए की उत्पत्ति होती है, देयर बाय ओवर स्टेटिंग जीन एक्टिविटी के मार्फत। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। Prokaryotic transcription is governed by three main sequence elements. अर्थात prokaryotes में जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वह तीन मुख्य sequence elements के द्वारा संपन्न होती है या निर्धारित होती है। पहला है promoters, दूसरा operators और तीसरा positive control elements. Now first, promoters are elements of DNA that may bind RNA polymerase. Promoters क्या है? Promoters are elements of DNA. DNA के elements हैं, नियमनकारी तत्व हैं, जो कि RNA polymerase से जुड़े रहते हैं and other proteins for the successive initiation of transcription directly upstream of the gene. Second, ऑपरेटर रिकॉग्नाइज रिप्रेजर। जो ऑपरेटर होते हैं वो दमनकारी प्रोटीन्स को पहचानते हैं दैट बाइंड टू ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहते हैं एंड इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, और जीन के अनुलेखन को इनहिबिट करते हैं या उनका दमन करते हैं। थर्ड सीक्वेंस एलिमेंट दैट इज पॉजिटिव कंट्रोल एलिमेंट्स दैट बाइंड टू डीएनए। ऐसे सक्रिय नियंत्रणकारी एलिमेंट्स होते हैं जो कि डीएनए से जुड़े रहते हैं एंड इनसाइट हायर लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और हायर लेवल ऑफ जो अनुलेखन है उसको, हायर लेवल की जो अनुलेखन है उसको इनसाइट करते हैं। दस इस प्रकार द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए बेसिक प्रोकैरियोटिक जीन is dependent on the strength of its promoter and the presence of activator or repressor. अर्थात prokaryotic जीन के अनुलेखन किस पर डिपेंड करता है? On the strength of its promoter, promoter की strength पर, and presence of activator and repressor पर. Now second, regulation in eukaryotes. Eukaryotes have three RNA polymerase. जैसा कि हम जानते हैं कि eukaryotes में तीन प्रकार के RNA polymerase उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोल ए, पोल फर्स्ट, पोल सेकेंड एंड पोल थर्ड। दैट इज RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकेंड एंड RNA polymerase थर्ड। Each polymerase has specific target and activities. प्रत्येक जो RNA polymerase है वे विशिष्ट प्रकार के टारगेट रखता है और विशेष प्रकार की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है एंड इज रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। और प्रत्येक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म या क्रियाविधि को रेगुलेट करता है। देर आर ए नंबर ऑफ एडिशनल मैकेनिज्म थ्रू विच पॉलीमरेज एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। अनेक प्रकार की एडिशनल मैकेनिज्म देखी गई हैं
जिनके द्वारा पॉलीमरेज एक्टिविटी नियंत्रित रहती है। दीज मैकेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन एरियाज। ये जो क्रियाविधि है उनको तीन ग्रुप्स में, तीन मेन एरियाज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर पॉलीमरेज एक्सेस टू द जीन। सेकंड, प्रोडक्टिव इलोंगेशन ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। एंड थर्ड, टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीमरेज। पहले जो क्लास है वह है कंट्रोल ओवर पॉलीमरेज एक्सेस टू द जीन। जीन एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए पॉलीमरेज। दूसरा है प्रोडक्टिव इलोंगेशन ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए के अनुलेखन के लिए जो प्रोडक्टिव इलोंगेशन है उसको, उसकी वृद्धि होती है। और थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का समापन। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हैव बीन फाउंड टू कंट्रोल हाउ एंड व्हेन टर्मिनेशन अकर विच विल डिटेक्टेड द फैट ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अर्थात ऑल थ्री ऑफ दी सिस्टम वर्क इन कंसर्ट टू इंटीग्रेट सिग्नल्स फ्रॉम द सेल एंड चेंज द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार के जो सिस्टम है वह एक इंटीग्रेट सिग्नल्स के द्वारा, कोशिका से प्राप्त इंटीग्रेट सिग्नल्स को से संबंधित होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम को उसी अनुरूप में चेंज करते हैं। लास्टली दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग बाइंडिंग इंट्रैक्शन एंड ओपनिंग द डीएनए हेलिक्स टू अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द टेम्पलेट। जनरली लैक स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट प्रोमोटर साइट्स। इस प्रकार आरएनए के निर्माण के लिए डीएनए का हेलिक्स का खुलना, आरएनए पॉलीमरेज का अलग होना और तीनों प्रकार की क्रियाएं कंट्रोल ओवर पॉलीमरेज एक्सेस टू द जीन, प्रोडक्टिव इलोंगेशन ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसमिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीमरेज अकर। धन्यवाद।